लो जी पहले वीडियो देखो, गल बात कर दी है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालदैन का और पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। जितनी मेरी मेहनत थी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी और उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने जो मेरा इस्तकबाल किया, मेरे ख्याल में मेरे मेडल से काफ़ी ज़्यादा है। प्लेयर्स को यही चीज़ होती है, जो आप सब इज्जत देते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है, वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी मेहनत थी, जैसे कि मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, जैसे सर ने बताया कि वाकई में आखिर में 5-10 मिनट रह गए थे जब कार रूम में हमने जाना था, तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी पेन महसूस हुई, तो मैंने सर को बताया मुझे थोड़ी सी पेन महसूस हो रही है, तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होता, तू शेर है। तो मैंने कहा सर ये आपको पता है कि मुझे जब हमने जाना था 24 जुलाई को मैंने जाना था, साथ कोच साहब भी थे, और 21 जुलाई को मुझे हम थ्रो कर रहे थे पंजाब स्टेडियम में, तो वहाँ पे मुझे इंजरी हुई। लेकिन ये मुझे पता है, मेरे कोच साहब को पता है या अल्लाह ताला को पता है, हमने किसी को नहीं बताया। तो हमने डॉक्टर साहब को बता दिया कि हमें इंजरी हुई है, तो आपने किसी को बताना नहीं है, इस पर आपने वर्क करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी की बेस्ट थ्रोएं करके गया था इधर से, समझ लें कि पूरी ट्रेनिंग ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेस्ट की थी। तो मुझे अपने आप पे इत्माद था क्योंकि हमने मेहनत की थी, तो जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका फल देता है। तो मैंने सर को कहा इधर कि सर माशाल्लाह हम माशाल्लाह बड़ा फिट हैं, बस ये इंजरी अल्लाह ताला ठीक कर दे तो इंशाल्लाह कंपटीशन का मज़ा आएगा। इससे पहले मैंने डायमंड लीग खेली पेरिस में ही, तो वहाँ पे मैंने इंजरी को बचाया, तो बहुत सारे लोग थे समझते थे कि अरशद आपने ज़ोर नहीं लगाया, मेरे ख्याल में ज़ोर बचा के रखा है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो मैंने उनको बताया बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने अपना ज़ोर नहीं लगाया और इंजरी को बचाया। तो वही हुआ पेरिस ओलंपिक्स में, जब क्वालिफाई राउंड था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ही थ्रो 86 प्लस करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो जब मैंने क्वालिफाई किया तो वहाँ पे मुझे होप हुई इंशाल्लाह मैं अपना फाइनल में गोल्ड की फ़ाइट करूँगा, और मेरी हर कंपटीशन में कोशिश होती है कि मैं अपनी बेस्ट थ्रो करूँ, तो अल्लाह ताला उसी में हमें इज़्ज़त देता है। जब फाइनल हुआ तो पहली थ्रो करने लगा, उससे पहले मैं बैठा हुआ था जहाँ मुझे थोड़ी सी पेन महसूस हो रही थी, डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब ने थोड़ी सी ट्यूब लगाई, मैंने कहा सर मेरे ख्याल में ट्यूब पता नहीं असर करती है या नहीं करती, उन्होंने कहा यार आप शेर हो, कोच साहब ने वही लफ्ज़ बोला और डॉक्टर साहब ने वही। तो वाकई में अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा, और मैं ग्राउंड में गया तो सारे जो हैं प्लेयर्स वो रन अप कर रहे हैं अपना सेट, और मैं इंजरी को लेके उधर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ कि यार इसको ठीक करूँ, इंशाल्लाह थ्रो करनी है। तो मैंने वार्म अप थ्रो में तकरीबन 82-81 की थ्रो की, तो मैंने कोच साहब को आके बताया, मैंने कहा सर माशाल्लाह जो पिननी है वो सही हो गई है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा कंपटीशन का। तो फीलिंग बड़ी अच्छी थी पहली थ्रो पे, तो जब मैंने रन अप लिया तो रन अप ख़राब हुआ, मैं वापस आया तो फिर रन अप लिया, लेकिन रन अप जो है वो फिर ख़राब हुआ, तो मैंने फिर वो फॉल थ्रो कर दी। तो दूसरी जब मैंने थ्रो की, जस्ट मैंने दूर से कोच साहब को मैंने इशारा किया, मैंने कहा सर इंशाल्लाह थ्रो होगी, जब स्टार्ट पे पहुंचा, अल्लाह ताला का नाम लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हाथ से थ्रो रिलीज़ हुई तो मुझे पता चल गया था ये
90 से ऊपर ही थ्रो है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो 92.97 मीटर थ्रो हुई। तो फिर मैं आके कोच साहब को मिला, कोच साहब माशाल्लाह रिलैक्स हो गए, कहते यार बहुत बड़ी थ्रो हो गई है। मैंने कहा सर इसमें अभी अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड तो दे दिया है, रिकॉर्ड भी करवा दिया है, आप दुआ करें, माशाल्लाह फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हो, जिस टाइम लिखा हो, वही मिलता है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ, उतना ही कम है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, और अगस्त का महीना था और मैं बड़ा खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो 14 अगस्त इस गोल्ड मेडल से इंशाल्लाह हम मनाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में आया हूँ और आप सब इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गोल है मेरा वो ये है कि बस दुआ करते रहें, इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें, और अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, सेहत तंदुरुस्ती। लो जी वीडियो तो तुसी मुकम्मल वेख ली होनी है। माशाल्लाह साढ़े पाकिस्तान दे विच 40 साल तो बाद वर्ल्ड कप जीत के लैके आए न, तो साडा यानी कि सिर बुलंद हो गया है, साडे पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बनी आ। ये उ नदीम अरशद आ, हूँ साहब भी आखो नाल लगता है नदीम अरशद साहब, ठीक हाँ। ये जनाब नाल अल्लाह या कोच आ, जो ये जाके यानी कि गेम खेडे न, और माशाल्लाह बड़ी इज्जत रखी ना, अल्लाह की जात इज्जत रखी आ। ये वो नदीम है जेड़ा पाकिस्तान तो जो वहन लगा है मरियम नवाज न रबते करता रहा है कि जी मैं को थोड़ी मदद चाहती आ, क्योंकि मस्कीन आ माड़ा बंदा। उस वक्त जनाब मरियम नवाज झंडी भी खाई आ, तो जनाब जो तो झंडी भी खाई ना, तो हूँ जिस तरह मैच जीतिया और वज जनाब इस्तकबाल होया, वज जनाब अपना अपना पूरा प्रोटोकॉल इन्हें विखाया, सियासत ये नहीं तो सियासत आ दिन। तो अल्लाह पाक मजीद कामयाबी देवे, और ऐसे कई नदीम अरशद होर भी पाकिस्तान दे विच हैं जिन्हां विच टैलेंट है, और यानी कि उन्हां दे विच खूबियां हैं, लेकिन साड़ी पंजाब हुकूमत यानी पाकिस्तान की हुकूमत उन्होंने अगर प्रमोट करे, उन्होंने ते तवज्जो करे, तो वह साडा नाम होर रोशन कर सकते हैं। जे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, अच्छा जहा कमेंट करना, तो मैं थोड़ा अपना अरशद महमूद अल मारूफ चाचा सरगोदे वाला लव यू हो गया।